रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर महासंग्राम छिड़ गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर भी सड़क में ही लाठी और डंडे की बरसात कर दी। घटना के दौरान आसपास एकत्रित लोगों में से किसी ने भी बीच बचाव करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि लोग अपनी किस तरह से जान बचाते हुए इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं। रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुप्ता परिवार के द्वारा अपनी जमीन में निर्माण कार्य को लेकर सामग्री गिराई गई, जिसके बाद उसकी जमीन से सटी हुई मस्जिद को लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों ही पक्षों को समझाइश देते हुए शांत कराया। बताया जा रहा है कि गुप्ता परिवार की जमीन के बगल में ही मस्जिद की जमीन है, जिसमें दो पक्ष जमीन में असंतोष को लेकर आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद दोनों ही पक्ष के बीच लाठी और डंडों की बरसात हो गई। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने समझाइश देते हुए मामले को शांत कराया है। वही पुलिस की माने तो ना समझे की वजह से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया और मामले को शांत कराया गया। दो पक्षों में हुई मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्ष लाठी और डंडों की बरसात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनगवा में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी लगी है कि वहाँ पर एक तालाब की मेड़ के नीचे एक परिवार का कुछ ज़मीन वगैरह थी, गुप्ता परिवार था, और उसके द्वारा कुछ निर्माण करने के लिए कुछ सामग्री वहाँ पर डाली गई थी, जिसमें पड़ोस में ही ईदगाह और कुछ दूसरे लोगों की ज़मीन का होना बताया गया। उस पर थोड़ा से लेकर उनमें आपस में विवाद हुआ और मारपीट कर दी गई। उस मारपीट के वजह में जैसी जानकारी लगी, मामला संवेदनशील था, दो पक्षों का मामला था, इसलिए तत्काल मौके पर एडिशनल एसपी महुगंज, एसडीओपी महुगंज, थाना प्रभारी महुगंज, तहसीलदार, उनका राजस्व का स्टाफ, सारे लोग मौके पर पहुंच गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभी मामला शांत है।